please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिनानी इंडस्ट्रीज ये है करीब 2.5% नीचे. अविनाश जी ये मामला जो था अब कह रहे हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की 3 से 6 महीने और लगने वाले हैं इसके रेजोल्यूशन में. बिनानी इंडस्ट्रीज के एसेट्स तो बहुत ही शानदार हैं पर इसमें कोई डाउट नहीं है. दालमिया भारत कह रहा था कि हम खरीदना चाहते हैं, अल्ट्राटेक कह रहा था कि हमें मिल जाए और वो ऊपर पैसा भी चुकाना चाह रहे थे. लेकिन अब मामला जो है वो कोर्ट कचहरी में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला की सुनवाई हो रही है. जिनके पास बिनानी इंडस्ट्रीज के शेयर हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? ना आई थिंक हेमंत, बिनानी इंडस्ट्रीज का जिनके पास है वो कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए. क्योंकि हम समझते हैं कि भले ही 3 से 6 महीना ये एक एनसीएलटी का प्रोसेस लगे बट डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिस प्रकार के एसेट्स बिनानी के पास है वैल्यूएशन इनको काफ़ी अच्छा मिल सकता है और ये डेफिनेटली बैंकों के लिए और कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा. तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिले क्योंकि स्टॉक काफ़ी जल्दी भाग चुका था ये डेवलपमेंट्स के कारण. लेकिन अगर होपफुली अल्ट्राटेक इस कंपनी को टेक ओवर करती है और अच्छी वैल्यूएशन मिलती है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी मीडियम टर्म में तेजी बिनानी में आगे देखने को मिल सकती है.